फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प में। और आज मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि हम जो है फोन पे जो एप्स होता है उसको किस तरीके से उसका अकाउंट बना सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इसमें जो है मैं बताने वाला हूँ, यदि आप इस फोन पे का पासवर्ड जो है भूल चुके हैं तो आप वो किस तरीके से जो है हम इसमें लॉगिन कर सकेंगे। तो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इसी में हम आज जो है बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम पासवर्ड, एक नया पासवर्ड जो है बना सकेंगे और इसमें आसानी से लॉगिन हो सकेंगे, ठीक है। यदि कोई आपको मोबाइल रिचार्ज करने से संबंधित या नए अकाउंट बनाने से रिलेटेड वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपको वीडियो के जो है लास्ट में, जब आप लास्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर भी जो है दिख जाएगा वीडियो, ठीक है। उस पर लिखा होगा कि फोन पे अकाउंट कैसे बना, ठीक है। तो आप वहां से फोन पे का जो है अकाउंट बना सकते हैं। और यदि आपको कोई और समस्या आती है फोन पे से रिलेटेड कि आप जैसे पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे वगैरह वगैरह, कोई भी समस्या हो तो हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिए, हम जरूर उसका समाधान करेंगे। तो चलिए अभी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और अभी आपको दिखा, तो अभी हम मोबाइल स्क्रीन पर जो है आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं जो है किस तरीके से हमें, तो हम जो है फोन पे ऐप्स में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें डालना होता है मोबाइल नंबर, ठीक है, जो कि मैंने डाल दिया है लेकिन छुपा दिया है, ठीक है। और नीचे डालना होता है पासवर्ड जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हम ऊपर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और नीचे हमें पासवर्ड पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बट वो हमारे पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, तो हम फॉरगेट पासवर्ड पर जो है क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अपना पासवर्ड जो है भूल चुके हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल है, वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है एक पेज ओपन होगा जहां पर हमें अपना नंबर लिखा होगा। आप इस नंबर को दोबारा से टाइप कर सकते हैं यदि आपका नंबर गलत है, ठीक है। तो यहां पर आपको नंबर डाल देना है और नीचे जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू का मतलब है कि आपको इस नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, ठीक है। आपको वो मोबाइल नंबर उसी फोन में डाला होना चाहिए, ठीक है, या आप अगर अलग होगा तो आपको वो जो है ओटीपी ढूंढने में दिक्कत होगी, ठीक है। ओटीपी यहां पर डालना होगा, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है ओटीपी सेंड कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर जो है ओटीपी ऑटोमेटिकली जो है आ चुका है मैसेज के द्वारा, तो वो ओटीपी जो है उसने ले लिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओटीपी डालने की कोई जरूरत भी नहीं है अलग से, ठीक है, क्योंकि उसमें आ गया है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेट न्यू 4-डिजिट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 अंक का कोई भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हमने वो पासवर्ड भी डाल दिया है और यदि आपका गलत हो तो आप जो है दोबारा से पासवर्ड कोई नया डालिएगा, ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो है मैसेज आ चुका होता है कि आपने पासवर्ड बदल लिया, ठीक है। अब यहां पर हमें वही पासवर्ड जो भी हमने बनाया है वो आप यहां पर डाल दीजिएगा और सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है फोन पे को लॉगिन कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और यदि आपको इससे कोई अन्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो हमने जैसा कि आपसे बताया कि हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे वीडियो आपको मिल सके।